प्रेज द लॉर्ड। वचन की पुकार, मनुष्य जीवन फलवंत हो, एपिसोड 15 में आपका स्वागत है। आइए हम बाइबल के वचन से मनन करते हैं। मत्ती 28 उसका 18 वचन, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रियो, यहाँ पर यीशु अपने शिष्यों को इस बात की याद दिलाते हैं कि अधिकार क्या है, और ये स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। ये यीशु किस तरह से कह पा रहे हैं? यीशु मनुष्य के पुत्र हैं, मनुष्य अवतार में आए। परमेश्वर बार बार मनुष्य को अधिकारी बनाना चाहता था। आदम की वाटिका में आदम और हवा को पृथ्वी का अधिकार दिया कि इस पृथ्वी को फलवंत करो, उसको भर दो, बढ़ते रहो, और ये अधिकार इन्होंने शैतान के हाथों बेच दिया, शैतान को हैंडओवर कर दिया। और परमेश्वर की इच्छा थी कि पृथ्वी के अधिकारी होने के बाद परमेश्वर धीरे धीरे स्वर्ग के भी अधिकारी बनाए, लेकिन वो पृथ्वी का ही अधिकार खो बैठे और स्वर्ग राज्य के अधिकार होने से वंचित हो गए। प्रिय, परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करे। तो यहाँ पर यीशु स्वयं परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट होने के बाद स्वर्ग का अधिकार उनके पास था, लेकिन पृथ्वी का अधिकार शैतान के हाथों था। इसीलिए परीक्षा के समय, यीशु की परीक्षा के समय शैतान आकर के क्या कहता है, पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। इस तरह से शैतान परमेश्वर के पुत्र के सामने बयान करता है, उसकी परीक्षा के समय इस तरह से खुलासा करता है। तो शैतान इस पृथ्वी का अधिकारी था, लेकिन यीशु ने कैसे दोबारा इस अधिकार को प्राप्त किया? क्योंकि यीशु वचन के प्रचारक हुए, यीशु बीमारियों को चंगाई करने वाले हुए, यीशु का शरीर परमेश्वर पिता का मंदिर 100% रहा, कोई चूक ना हुई, और मृत्यु भी सहली, और मृत्यु सहने के बाद जब कब्र में यीशु की लाश रखी गई तो परमेश्वर ने इसको 3 दिन के बाद वापस जीवित किया। और अब यीशु ये कहने के काबिल थे कि मुझे अब पूर्ण तरीके से पृथ्वी का भी अधिकार प्राप्त है। हम इस दुनिया में अधिकार की बात करते, जो अधिकार हमारे दायरे में होते हैं उनको भी हम हूबहू कई बार नहीं निभा पाते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु दोनों अधिकारों को बराबर निभाने वाले प्रतिनिधि बन गए हैं। पृथ्वी के ऊपर हर एक बात परमेश्वर के पुत्र यीशु के अधीन है, चाहे समुद्र की तूफान हो और पृथ्वी की हवा हो और जो कुछ भी हो, बीमारियां हो, और सब बातों के ऊपर यीशु ने अधिकार प्राप्त किया, मौत के ऊपर अधिकार प्राप्त किया, और यीशु आज जयवंत जिंदगी जी चुके हैं। इसीलिए यीशु अब स्वर्ग से परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट होने के बाद, उनके साथ होने के बाद, मृत्यु में से जीवित होने के बाद, आज दोबारा यीशु अपने चेलों के पास आकर के यही बात कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। यीशु ऐसा पहलौटा हुआ है जो सब अधिकारों को रखने वाला हकीम हुआ है, और उसकी मर्जी अब होने वाली है। स्वर्ग की भी सारी बातों को परमेश्वर ने यीशु के अधीन कर दिया है, क्योंकि अब न्याय का सारा काम यीशु के पास में है। प्रियो, आज हम यीशु की इन बातों के द्वारा एक बात हम सीखें, अगर हमें अधिकार प्राप्त करना है तो जो अधिकारी है उसके अधीन में होना पड़ता है। जैसे हमारे माता पिता के द्वारा हमें सारी पृथ्वी की घर, खेत, प्रॉपर्टी, रुपये, इन सारे अधिकार हमें कैसे प्राप्त होते, क्योंकि हम अपने पिता की संतानें होते हैं। तो यहां पर स्वर्ग का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, ये दोनों यीशु के पास में है। सब बातें यीशु के अधीन कर दी गई है। इसीलिए यीशु ने अपने चेलों को भी बोला, अब जाओ और ये डिक्लेयर करो, जो अधिकार आपने खोया था अदन की वाटिका में दोबारा प्राप्त करने के योग्य बनना है तो मेरे इन बातों को मानो, क्योंकि यीशु अधिकारी हो चुका है। प्रियो, आज यीशु के पास अधिकार है, तो यीशु ये चाहता है कि वो हमें भी अधिकारी बनाए, इसीलिए वो इन सब बातों को बताता है। आज मेरे पास जो कुछ है उसको मैं दूसरों को अधिकारी
कैसे बना सकता हूं? नहीं बना सकते। लेकिन यीशु को देखिए, वो अपने अधिकार हमसे बांटते हैं, वो अपना हक हमसे बांटते हैं, वो अपनी बरकत हमसे हमको पूरी देना चाहते हैं। यहां तक उसने हमारे प्रेम के लिए, हमें बचाने के लिए पृथ्वी के ऊपर आकर के बहुत दुख उठाया और हमें पाप से छुड़ाने के लिए भी दुख उठाया और चाहा कि हम भी अधिकारी बने। आज हम डरे हुए जीवन में, बीमारी भरे जीवन में, दुख भरे जीवन में हम इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यीशु के अधीन होना पड़ेगा, यीशु की बातों को मानना पड़ेगा, उसके कहे वचन को मानना पड़ेगा, ताकि हमारा जीवन बेहतर बन जाए और हम वास्तव में अधिकारी के रूप में जीवन जीने पाए। और जो अधिकारी होता है उसके सामने कोई भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि वास्तव में वो लीगली तरीके से अपने अधिकारों की समझ रखने वाला होना चाहिए। प्रियो, आज हमें तूफान, रुकावटें, बीमारियां, श्राप, दुष्ट शक्तियां हमें कई बार सताती है। इसका कारण एक ही है कि हम उस अधिकारों को सही से जान नहीं पाते हैं। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और ये यीशु ने, आज हम ये सोचें कि यीशु स्वर्ग से नीचे 2020 साल पहले आकर के उसने अपने अधिकारों को हमें दिया है। वो बार बार वचन से सिखाते रहे थे, अदन की वाटिका से मूसा के द्वारा और कई नबियों के द्वारा, लेकिन अंत में यीशु स्वयं प्रकट होकर के उन अधिकारों को बोलता है। इससे बड़ा खुलासा हमें और क्या चाहिए? यीशु क्रूस के ऊपर मरा है, ये पुख्ता सबूत है, इतिहास गवाह है, और कई बातें यीशु के प्रकट होने की बातों का वर्णन करती है। और आज हम अगर पूर्ण तरीके से हम यीशु के अधीन होंगे तो वो अधिकार यीशु हमें देना चाहता है। आज हम पृथ्वी के ऊपर अधिकार के साथ जीने के लिए हमें यीशु की, वचन की और पवित्र आत्मा की जरूरत है। और अगर इस तरह से हम जीते जीते आगे बढ़ते रहें तो स्वर्ग में भी परमेश्वर अपने वो अधिकार को जो अभी उसके पास है वो हमें देने वाला है, हमें स्वर्ग राज्य में भी अपने साथ रखने वाला है। और ये प्रियो विश्वास से शुरू होने वाली बातें हैं। तो आज हम विश्वास करें, और आप सब लोग जो प्रभु के वचन में बढ़ना चाहते हैं, प्लीज आप प्रार्थना करें और वचन को सुने, और इस बहुत दौड़ भाग भरी जिंदगी में हमें परमेश्वर को और उसके वचन को और उसके पुत्र यीशु को, जो हमारे पास आ चुका है ऐसा समझना है, और वह अधिकार हमारे ऊपर प्रकट कर दिया ऐसा हमें समझना है, और यीशु से प्रेम करना है। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, मत्ती 28:18, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। किसको? यीशु को। इसीलिए वो हमारे ऊपर प्रकट करता है, तो हमें भी ये पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकारी होना है, तो यीशु के पास रहना बहुत जरूरी है। प्रभु आप सबको आशीष करें, प्रभु के वचन हमें तसल्ली दे, हमें बीमारी से छुड़ाए, हमें डर से छुड़ाए, हमें फलवंत करे और जयवंत कर दे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।